सबसे पहले देखिए पावर पॉइंट में जो पेज होता है, इन पेज को बोलते हैं स्लाइड। ये जो है ये है स्लाइड, ठीक है। इसको आप ऐड, डिलीट या फिर इसका जो लेआउट है इसको चेंज भी आप कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा होम टैब में, और होम टैब में यहाँ पे देखिए स्लाइड, न्यू स्लाइड नाम का एक ऑप्शन है, जहाँ पे क्लिक करने के साथ ही नया स्लाइड ऐड हो जाएगा। आप जितना मर्जी स्लाइड यहाँ पे ऐड कर सकते हो न्यू स्लाइड बटन में क्लिक करके। अभी देखिए यहाँ पे जो पहला वाला स्लाइड है उसका जो लेआउट है थोड़ा सा अलग है, और दूसरा जो स्लाइड है उसका लेआउट अलग है। तो हम यहाँ पे लेआउट को चेंज भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमको जाना होगा होम टैब से। यहाँ पे देखिए स्लाइड ग्रुप का ऑप्शन है, स्लाइड ग्रुप में यहाँ पे आपको लेआउट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ब्लैंक चूज कर लेना है। आपके ज़रूरत के अनुसार आप कोई भी लेआउट स्लाइड का वहाँ से चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैंक किया क्योंकि ये जो फॉन्ट पेज है ये मैं टेक्स्ट बॉक्स यूज करके यहाँ पे बनाऊंगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स का बटन है, जहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वेलकम। फिर एक नया टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और इसमें लिखेंगे टू, और नीचे और एक लेंगे उसमें लिखेंगे दार्जिलिंग। मतलब हमारा जो फ्रंट पेज होगा वो होगा वेलकम टू दार्जिलिंग। अब मैं तीनों टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा और उनका फॉन्ट, फॉन्ट साइज, कलर ये थोड़ा चेंज करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉन्ट को चेंज करेंगे। आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल यहाँ से ले सकते हो जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज करूंगा तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ये मैंने ले लिया। अभी इनका जो साइज है इनको थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज करूंगा और इनको थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। आप यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके उसका जो बॉर्डर है वहाँ पे क्लिक करके उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे इस पेज का एक बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करूँगा। इसके लिए हमको जाना होगा डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब से हम क्लिक करेंगे बैकग्राउंड स्टाइल ऑप्शन में, बैकग्राउंड स्टाइल। जैसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही फॉर्मेट बैकग्राउंड का विंडो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर एंड टेक्सचर फिल। पिक्चर एंड टेक्सचर में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फाइल में जाना पड़ेगा, और फाइल में क्लिक करने के बाद आप कोई भी इमेज जो आप बैकग्राउंड में देना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना के रखा है दार्जिलिंग नाम से, जहाँ पे मेरा बैकग्राउंड इमेज है। यहाँ से देखिए मैंने इसको ओपन किया। अभी एक बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे मैं चूज करूंगा ये वाला, और जस्ट इंसर्ट में जाके एक बार क्लिक करूंगा। क्लिक करने के साथ ही ये फोटो यहाँ पे अप्लाई हो गया। अभी फॉर्मेट बैकग्राउंड विंडो को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब मैं यहाँ पे इन तीन टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा एडजस्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के लिए आप प्रेस करेंगे CTRL A, ठीक है। तो ये देखिए मेरा एडजस्ट करना हो गया। अभी हम स्लाइड नंबर 2 में जाएंगे। इसका भी सेम होम टैब से हम लेआउट को ब्लैंक कर लेंगे। अब हम ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ड्रॉ किया, और यहाँ पे हम लिखेंगे टॉप 5 प्लेसेस इन दार्जिलिंग। मैंने यहाँ पे टॉप 5 प्लेसेस इन दार्जिलिंग के ऊपर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेटा ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा है इंटरनेट से। ये देखिए जैसे कि सबसे पहले मैंने लिया है टाइगर हिल, बाताशिया लूप, ऐसे करके मैंने 5 प्लेसेस का यहाँ पे डिटेल्स मैंने कलेक्ट किया है इंटरनेट से, और इन्हीं डेटा को यूज करके हम अपना प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे देखिए टाइगर हिल है, तो हम टॉप 5 प्लेसेस में पावर पॉइंट में जाके यहाँ पे एक पहले टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक बुलेट स्टाइल लेंगे, बुलेट स्टाइल। तो बुलेट स्टाइल अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे एक एक करके 5 प्लेसेस का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टाइगर हिल, फिर एंटर करके नीचे आएंगे और लिखेंगे बाताशिया लूप। ऐसे करके टोटल 5 प्लेसेस का नाम हम 1 by 1 यहाँ पे लिखेंगे। अभी इनको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, बॉर्डर में क्लिक करके इसको थोड़ा राइट साइड में लेके आएंगे। अभी इनका सिलेक्ट करके हम थोड़ा फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल और कलर को चेंज करेंगे। इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं, जैसे मैंने फॉन्ट चेंज किया फिर साइज को इंक्रीज किया, और अभी यहाँ से उसको एडजस्ट करके अभी उसका कलर चेंज करेंगे।
तो ये उसका टेक्स्ट कलर मतलब फॉन्ट कलर, यहाँ से कोई भी कलर आप ले सकते हो। ये हो गया, अभी इनको सिलेक्ट करके इनका भी फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, कलर, साइज इनको थोड़ा चेंज कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डेकोरेशन के लिए ऊपर एक लाइन यूज करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट और यहाँ से शेप में जाके क्लिक करके लाइन को चूज कर देंगे और ये लाइन को यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे और इसका अभी हम एक कलर ले लेंगे फॉर्मेट से, फॉर्मेट टैब से। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर को चूज़ किया, अभी इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। आप कोई भी कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद हो। अब मैं इस स्लाइड में एक बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करूँगा और इसके लिए हम जाएंगे डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब से बैकग्राउंड स्टाइल ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड में, फिर पिक्चर एंड टेक्स्चर फिल, उसके बाद फाइल में क्लिक करेंगे और इमेज चूज करके इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद विंडो को क्लोज कर देंगे। अब इन टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा बोल्ड कर देंगे ताकि थोड़ा हाइलाइटेड दिखे और इनको भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड का काम स्टार्ट करूँगा जिसमें मैं लूँगा टाइगर हिल। तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके हम इसको कॉपी कर लेंगे CTRL-C प्रेस करके। और अब मैं थर्ड स्लाइड का लेआउट को ब्लैंक कर लूँगा और ऊपर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके वो टाइगर हिल को यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे CTRL-V प्रेस करके। अभी इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, कलर, इसका साइज थोड़ा चेंज करके इसको एडजस्ट करेंगे, इसको एकदम टॉप पे रखेंगे। अब मैं यहाँ पे टाइगर हिल का एक पिक्चर इंसर्ट करूँगा। इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब, इंसर्ट से यहाँ पे पिक्चर में जाके क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी कुछ फ़ोटो यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है तो यहाँ से मैं एक फ़ोटो चूज़ करूँगा और इंसर्ट में जाके क्लिक करने के साथ ही वो फ़ोटो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। फिर इस फ़ोटो को थोड़ा साइज में छोटा करके इसको सेट करेंगे। अब मैं नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करूँगा और जहाँ पे मैं टाइगर हिल के बारे में कुछ टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करूँगा। तो ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक किया और इसको यहाँ पे ड्रॉ किया। अब मैं चला जाऊँगा मेरे वर्ड फाइल में जहाँ पे मैंने ऑलरेडी टाइगर हिल के बारे में कुछ डिटेल्स कलेक्ट करके रखा है। इनको यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रेस करेंगे CTRL-C फॉर कॉपी और यहाँ पे आके CTRL-V करेंगे फॉर पेस्ट। अब इन टेक्स्ट को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे और इसके साथ ही इनका फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, साइज थोड़ा चेंज कर लेंगे। अब इनका टेक्स्ट अलाइनमेंट को जस्टिफाई कर लेंगे और इनका कलर भी चेंज कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे टाइगर हिल का जो स्लाइड है इसको डिज़ाइन किया, आप सेम प्रोसेस यूज करके बाकी चार जो स्लाइड है उनको भी डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा देखिए, मैंने बाकी चार स्लाइड को भी डिज़ाइन किया एकदम सेम ही प्रोसेस यूज करके, ठीक है। तो ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट का फॉन्ट स्लाइड, ये सेकंड स्लाइड। यहाँ पे देखिए मैंने जो प्लेसेस का नाम लिखा है इसको थोड़ा बोल्ड करेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। और ऊपर जो मैंने लिखा है टॉप 5 प्लेसेस इन दार्जिलिंग, इनको थोड़ा बड़ा करेंगे और इनका जो कलर है इसको थोड़ा चेंज कर देंगे। और यहाँ पे जो मैंने लाइन शेप लिया है इसको भी थोड़ा छोटा करके एडजस्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे जो इमेज है इसको थोड़ा डेकोरेट करूँगा। इसके लिए इमेज को सिलेक्ट करके हम जाएंगे फॉर्मेट टैब और यहाँ से देखिए इमेज का बहुत सारे स्टाइल है तो यहाँ से आप कोई भी स्टाइल में क्लिक करके उसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कोई भी स्टाइल, जो बहुत सारे स्टाइल है यहाँ पे जो आपको पसंद हो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। मुझे ये वाला स्टाइल अच्छा लगा तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। मैं सारे स्लाइड में ही ये वाला स्टाइल ही अप्लाई करूँगा। जैसे मैं बाताशिया लूप का भी सेम अप्लाई करूँगा, फॉर्मेट से सेम ही पिक्चर का फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई करूँगा जितने भी स्लाइड है सारे में ही। अब मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करके एक नया स्लाइड इंसर्ट करूँगा और एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके वहाँ पे मैं लिखूँगा थैंक यू।
अब इसको सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, कलर इनको चेंज करेंगे। अभी ये वाला बटन से हम क्लिक करके इसको थोड़ा रोटेट करेंगे ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, और इसका साइज को अभी थोड़ा बड़ा करके इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अब इसको सिलेक्ट करके एक कलर चूज कर देंगे। तो ये ऑलमोस्ट मेरा डिज़ाइन जो है वो सारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे थीम अप्लाई करूँगा। थीम अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा डिज़ाइन टैब में, और यहाँ पे थीम्स ग्रुप के अंडर बहुत सारे थीम हैं। जो थीम आपको पसंद है जस्ट उसमें आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही वो थीम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, आप अपने प्रेजेंटेशन में कोई भी थीम यहाँ से अप्लाई कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अब मैं यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए हमको जाना होगा एनिमेशन टैब में। एनिमेशन टैब में यहाँ पे देखिए बहुत सारे एनिमेशन स्टाइल है। जो एनिमेशन स्टाइल आपको पसंद हो वो एनिमेशन स्टाइल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ये वाला स्टाइल में क्लिक किया। ये स्टाइल का इफेक्ट देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो गया। और यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन स्पीड, इसको हर वक्त आपको स्लो रखना है। स्लो रखने से एनिमेशन का जो प्रीव्यू है वो आपको क्लियरली दिखेगा। तो सेम प्रोसेस यूज करके आप बाकी सारे स्लाइड में भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि स्लाइड ट्रांजिशन जो आपको पसंद हो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बाकी सारे स्लाइड में भी सेम प्रोसेस यूज करके एनिमेशन अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट एनिमेशन अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको किसी भी टेक्स्ट में जाके क्लिक करना है। उसके बाद हम जाएंगे कस्टम एनिमेशन में। कस्टम एनिमेशन ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही राइट साइड में कस्टम एनिमेशन का एक विंडो ओपन होगा। यहाँ से ऐड इफेक्ट में जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, और ये सारे ही एनिमेशन है। यहाँ से हम एंट्रेंस में जाएंगे और मोर इफेक्ट में जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए बहुत सारे एनिमेशन के नेम यहाँ पे आपको दिखाएगा। आप यहाँ पे कोई भी एनिमेशन में क्लिक कीजिए, उसका प्रीव्यू आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। जस्ट सिंपली आप ओके करेंगे, तो ओके करने के साथ ही वो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फिर हम टू में क्लिक करेंगे। सेम प्रोसेस यूज करके टू में भी हम सेट करेंगे एनिमेशन को। उसके बाद हम दार्जिलिंग में क्लिक करेंगे एंट्रेंस, और यहाँ से कोई भी एनिमेशन में क्लिक करके उसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो सेम प्रोसेस फॉलो करके आप बाकी स्लाइड में भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको फिर से दिखा रहा हूँ एंट्रेंस, ये देखिए मोर इफेक्ट। जो एनिमेशन आपको पसंद हो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया। अभी लास्ट जो स्लाइड है इसमें भी एनिमेशन ऐड करेंगे। तो सेम प्रोसेस यूज करके आप यहाँ पे एनिमेशन ऐड कर सकते हो। एनिमेशन ऐड का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कस्टम एनिमेशन का जो विंडो है इसको यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। अब मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन एक बार रन करके दिखाऊंगा। इसके लिए हमको जाना होगा स्लाइड शो टैब में, और उसके अंदर से फ्रॉम बिगिनिंग में क्लिक करना है, और आप कीबोर्ड से F5 की भी प्रेस कर सकते हो। क्लिक करने के साथ ही आपका प्रेजेंटेशन रन हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन में जो आपने एनिमेशन दिया है वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, आपको कोई ना कोई की प्रेस करना है। मैं यहाँ पे स्पेस की यूज करके स्लाइड को चेंज कर रहा हूँ।
ये हो गया मेरा प्रेजेंटेशन। अब मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन में कैसे टाइम सेट करते हैं उसका प्रोसेस दिखाऊंगा। इससे आप बिना किसी की को प्रेस करके ही आपको प्रेजेंटेशन में स्लाइड को चेंज कर सकेंगे। तो इसके लिए हमको जाना होगा स्लाइड शो टैब, और यहाँ से देखिए रीहेयर्स टाइमिंग नाम का एक ऑप्शन है, रीहेयर्स टाइमिंग्स क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही प्रेजेंटेशन मेरा रन होगा और यहाँ पे टाइम आपको दिखाएगा। यहाँ पे आप किसी भी की को प्रेस करके आपके प्रेजेंटेशन का टाइम आप यहाँ पे सेट करेंगे। अब यहाँ पे यस में आके एक बार आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपको दिखाएगा कौन से स्लाइड में कितना टाइम यूज हुआ है। तो आप अभी नॉर्मल मोड में जाने के लिए किसी भी स्लाइड में डबल क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल मोड में आ जाएगा। ये देखिए, अब मैं कीबोर्ड से F5 की प्रेस करूँगा। प्रेस करने के साथ ही मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो रन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली स्लाइड 1x1 यहाँ पे प्रीव्यू होता रहेगा। तो ये था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज करके आप पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन बना सकते हो।